दर्शकबिन नमस्ते। आने दिन जका विविध विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करबाक लेल हम उपस्थित छी वीरेंद्र मन। राजनीति में या राजनीति में जै रूप से निक लोग के प्रवेश होबक चाही वो राजनीति में नहीं भा रहल छै। नातावाद कृपावाद राजनीति में हावी भ रहल छै। एकटा सामान्य निर्वाचन में जे दल के निर्वाचन होइ छै जेकर मतदाता ओहि दल के कार्यकर्ता नेते होइ छै ओहि पार्टी के निर्वाचन में लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च होइ छै। गरीब होइ छै अर्थात जेकरा पास में ओहि रूप से स्तर के पैसा नहीं रहै छै ओ व्यक्ति निर्वाचन नहीं लड़ सकैया। ई अवस्था छै और केवल एकटा दोषारोपण कहै छै जे निर्वाचन प्रक्रिया महग भ गेलै निर्वाचन प्रक्रिया महग भ गेलै। त निर्वाचन प्रक्रिया केवल जनप्रतिनिधि निर्वाचित होबे के मात्र प्रक्रिया महग भ गेलै कि संपूर्ण निर्वाचन महग भ गेलै। एकटा संघ संस्था के निर्वाचन जखन होइ छै तो ओहु निर्वाचन में कोन संस्था कते महत्व रखै छै अर्थात यदि व्यापारी सबके संस्था छै त करोड़ से नीचा खर्च नहीं होइ छै। पत्रकार सबके संस्था छै केन्द्र में चुनाव होइ छै त एकटा व्यक्ति कम से कम 50 लाख 60 लाख रुपया उम्मीदवार खर्च करय पड़ै छै। वही रूप से इंजीनियर डॉक्टर अइ सबके जो होइ छै त जेकर स्तर जै रूप से पैसा के बेसी रहै छै जेकर सामाजिक कहबै जे स्टेटस बेसी रहै छै ओकर नेतृत्व में पहुँचा के लेल खर्च बेसी होइ छै। वही रूप से राजनीति दल के नेता अर्थात एकटा पार्टी के अध्यक्ष बन के लेल खर्च भी ओतबे होइ छै जे जै स्तर के राजनीति पार्टी होइ छै। नेपाली कांग्रेस के होइत हेतै ओहि में अहाँ के सबसे बेसी माओवादी के तऽ कनी ओहि से कम एमाले के तऽ ओहि से कनी कम हुआ वही के हाराहारी तऽ एहि रूप से होइ छै। तऽ जै जब तक राजनीति में निक लोग के प्रवेश नहीं होते और व्यक्ति सोच का जे हम सब ककरा मत दी ई चिंतन के विकास नहीं होते तब तक नेपाल के राजनीति में या कतौ के राजनीति में रूपांतरण परिवर्तन संभव नहीं छे। तई अवस्था में गलत लोग सब के राजनीति में प्रवेश होते और ओय के परिणाम होते जे जनता दुख करते कष्ट करते ओकर समस्या के समाधान नहीं होते। एकटा हिंदी के शायर छथिन राजनीति पर व्यंग करैत लिखे छथिन जे राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं सत्ता के नशे में इतनी चूर है ये नेता कि देश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं। वास्तव में राजनीति वही रूप से आगा बढ़ रहा है। हम अहाँ सब कतबो या आम जनता कतबो घच घचबै छी जे राजनीति में परिवर्तन रूपांतरण होबक चाही मुदा ई एकटा नारा मात्रे भ रहल छै। जनता के अखनो तक जनजीविका में रूपांतरण के प्रश्न एवं केवल नारा मात्रे भ रहल छै। नहीं तो एकटा क्षेत्र परिवर्तन होइ छै और हम सब हमर सब के लगानी कतय होइए तो हम सब बेतुका के लगानी लगबै छी। आई प्रदेश सरकार गठन भेला के बाद में 4 वर्ष भ चुकले 4 वर्ष में करोड़ों करोड़ रुपया लागल हेते मठ मंदिर के सौंदर्यकरण में कर में लेकिन वही से उपार्जन की भेले ई ककरो नहीं बुझल छे। और पर्यटन प्रवर्धन के विषय के बात होइ छे पर्यटन के विकास के बात होइ छे तो अन्य प्रदेश से देख के अवस्था छे जे अन्य प्रदेश कोन रूप से काज करै छे। आई मधेश प्रदेश में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री अयले था वो कहलखिन जे हम सब बहुत चीज में सहकारी कर सके छी हमर जे आर्थिक समृद्धि के आधार है वो आधार है पर्यटन। वास्तव में गंडकी के आधार जे छे आर्थिक स्रोत वो पर्यटन छे ओहिठाम होटल व्यवसाय फर्स्टाइल छे ओहिठाम जे नया नया संभव्य गंतव्य स्थल सबके खोजी होइ छै मुदा हमर सबके लगानी कत होइए तऽ हम सब जाकर कतौ डिहबार मंदिर में जाकर ओकर दीवाल के रंग दै छियै आ लाखों लाख रुपया खर्च कर दै छियै जैसा लगानी मात्र सरकार के होइ छै उपार्जन नहि होइ छै। दोसर दिस
एकटा संस्था लगानी लगबै छै, एकटा संस्था कोनो चीज में लगानी लगबै छै, वही लगानी के फिर दोसर संस्था अर्थात प्रदेश नंबर के जे अपना सबके मधेश प्रदेश छै वही प्रदेश के सरकार ओहि में लगानी लगा दै छै। आप बुझियौ जे एकटा लगानी लगबै छै, दोसर फिर ओहि में लगानी लगबै छै आ लाखों लाख रुपया कागज में बनाकर समाप्त भ जाइ छै। ई केवल एकटा मंत्रालय के अवस्था नहीं छै, संपूर्ण मंत्रालय के हबिगत वह छै, जै के कारण से अहाँ के संभावना के असीम संभावना छै, धार्मिक पर्यटन के असीम संभावना छै अपना सबके मधेश प्रदेश, मुदा ओहि रूप से विकास नहीं होइ छै। जाकर देखबै सिमरौनगढ़ में लथालिंग अवस्था छै, जे एकटा सभ्यता के एकटा संस्कृति के एकटा तात्कालीन समय के राज्य व्यवस्था के अध्ययन करय वाला जगह छै, ओहि के हबिगत के अवस्था देखाई दै छै। दोसर दिस कनिके दूर अबै मूर्तिया छै, जे गाम के नाम पड़ल छै मूर्तिया, ओहिठाम पूरा मूर्ति मूर्ति पुरातात्विक स्थल के सेन वंश तकर बाद विभिन्न वंश के मूर्ति सब जे ओहि समकालीन मूर्ति सब भेटै छै, मुदा ओ स्थल उपेक्षित छै, ओहिठाम प्रदेश सरकार के लगानी नहि होइ छै। मुदा प्रदेश सरकार लगानी कतय लगबै छै, तऽ अपन कार्यकर्ता के डिहबार मंदिर में जाकर लगा दै छै। जे पोखरी के सौंदर्यकरण के नाम पर मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में पैसा खर्च करै छै, ओ पोखरी के अवस्था जाकर देखबै जे पोखरी के स्रोत के जब तक रिचार्ज नहीं हेतै फिर हमर सबके जल जे जीवन है ओहि में संकट छै। पूरा के पूरा कंक्रीट के हिसाब से ओकरा रिचार्ज करे के वातावरण के ब्लॉक कर देल जाइ छै, तब बिना योजना के काज जखन होइ छै ओ जाकर कतौ देखे के विकास और समृद्धि नहीं लाबा सके। ओ देखे के अवस्था ई छै जे 4 वर्ष में प्रदेश सरकार जे लगानी लेने छै ओहिसे 1 रुपया जे अर्जन करे के विषय छै पर्यटन क्षेत्र से ओ भेल नहीं छै। तो गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेलवे भ्रमण करायल गेलै, रेलवे पर चढ़ायल गेलै रेलवे, तकर बाद वो भरत ताल विभिन्न जे पर्यटक के क्षेत्र सब जैथिन और पर्यटक क्षेत्र सब के गेला के बाद में हुनका देखायल जेतै जे हमरा सबके पर्यटन क्षेत्र, मुदा ओ जखन उतरथिन पोखरा से जनकपुर में तो आइ से एना पोखरा और जनकपुर विमानस्थल के संचालन भ गेल छै, आब जनकपुर से पोखरा के डायरेक्ट फ्लाइट हेतै। तखन वो की कहलखिन जे हमरा संगे किछ टोली सब आयल अछि, अर्थ सेक्टर के पत्रकारिता के क्षेत्र से वाणिज्य लगायत के पर्यटन व्यवसाय, ई एकटा हमर 17-18 आदमी के टीम अछि, यदि सरकार हम सब ओ टीम के संगे गप क के सहकारी के वातावरण बनाबा सकै छी त बनायल जाय। और एहिठाम के मुख्यमंत्री जी के अग्रसरता लेबक चाही जो ओहि टीम सबसँ जे हुनकर नेतृत्व के टीम छै, ओहि टीम के एहिठाम के वाणिज्य सेक्टर के एहिठाम पत्रकारिता क्षेत्र सेक्टर के एहिठाम पर्यटन व्यवसाय के दुनू के बीच में सहकार्य क के हम सब एहिसँ कोना फायदा लऽ सकै छी एहि पर छलफल करक चाही। आशा अछि जे सरकार एहि पर छलफल करतै जे पर्यटन के प्रवर्धन करय के हिसाब सँ, किएक तऽ जे मधेश प्रदेश से ओकर पर्यटक के आधार धार्मिक पर्यटन छै, तो हम सब धार्मिक पर्यटन बढ़ावा के लेल की कयल जा सकैए, की कऽ सकै छी, एहि पर छलफल होनाई जरूरी छै। यदि कोनो व्यक्ति अबै छथि बाहर से हुनका हम सब सांस्कृतिक रूप से अपन संस्कृति के कोना देखाबा सकै छी, कतौ कतौ जाकर ओहिठाम विकास कर सकै छी, तऽ एहि हिसाबसँ दीर्घकालीन योजना के आधार में आगा बढ़ पड़तै। बड़ा गंभीर विषय कहलखिन जे हमसब तैयार छी छलफल करू और केना हिसाबसँ सहकार्य करू, सहकार्य से ही समृद्धि संभव छै, प्रदेश प्रदेश के बीच में सहकार्य से समृद्धि संभव छै। हुनकर बात अपने सबके सुनबै छी, तकर बाद अन्य विषय में सेहो प्रवेश करब। यसको शुरुआत हामीले एउटा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा, संघीयतालाई मजबुत गर्ने सन्दर्भमा, प्रदेश प्रदेश सरकार बीचको सम्बन्ध पनि सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामीले माननीय मुख्यमन्त्री मधेश प्रदेशलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँले हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार दिएर भ्रमण गरिदिनुभयो मृत्युमा, त्यसपछि उहाँले मलाई निमन्त्रण दिनुभयो र आज म उहाँकै आमन्त्रणमा यहाँ यो ऐतिहासिक र एउटा धार्मिक नगरी जो हाम्रो मधेस प्रदेशको राजधानी पनि हो
यसमा पोखराबाट जनकपुर करीब करीब 45-50 मिनट को फ्लाइट आउँदै गर्दा जुन अनुभूति मलाई भयो यो मैले खासै शब्दमा भन्दा पनि यो भावनाले एउटा बुझ्नु पर्ने जस्तो मलाई लागेको छ। हामी खुसी छौँ त्यसमा पनि मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मन्त्रीजी लगायत यहाँ का विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले जुन हामीलाई आतिथ्यता एउटा मेरो टोलीलाई सम्मान गर्नुभयो र जसरी यो मिडियाका साथीहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा यो ऐतिहासिक अवसरलाई कमसेकम प्रदेशको पक्षमा बनाउनको लागि जुन यहाँहरूले गर्नुभएको छ यो सबै कुराहरूलाई म चाहिँ हार्दिक मेरो टोलीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र माननीय मुख्यमन्त्रीसँग अब गएर मेरो भेटघाट हुन्छ त्यसपछि हामी अरू कार्य एउटा यो पर्यटकीय दृष्टिकोण या प्रति पर्यटकीय आदान प्रदानले यो जुन सुरुवात भएको छ यसलाई कतिको फाइदा हुन्छ दुवै प्रदेशलाई? यो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेश कहीँ कुरो गर्दाखेरि समृद्धिका मेन मुख्य आधारमध्ये एउटा पर्यटन हो। हाम्रो त्यो लोकेसन त्यहाँको भौगोलिक अवस्था आदि इत्यादिले त्यो एउटा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता परेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशको पनि यद्यपि अरू क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू यहाँ छन्। यसलाई हामी के चाहन्छौँ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाम्रो यो मलाई लाग्छ भ्याली बाहिरको आज हामी 6 उसमा एयरपोर्टमा आइरहेको छौँ कनेक्टिभिटीमा हामी यसलाई बढाएर तपाईँको चाहिँ के भने अलि बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनौँ यिनै कुराहरू इन्डियाका मेन मेन सहरहरूसँगबाट हाम्रो जनकपुरदेखि पोखरा यसरी इन्टर कनेक्ट गर्न सकियो भने यो हाम्रो पर्यटनको दृष्टिकोणबाट धेरै धेरै महत्त्व हुन्छ भन्ने लागेको छ। अनि हाम्रो मन्त्री दर्शकबिन गण्डकी प्रदेशके मुख्यमन्त्रीके ई कथनके बाद अखनके राजनीति परिस्थिति पर देखबै तऽ कतौ ने कतौ आब ई आशंका उपशंका भऽ रहल छै जे फेर संसद विघटन हेतै। गगन थापा आइ एकटा कार्यक्रममे जतऽ प्रधानमन्त्री रहलखिन ओही कार्यक्रममे कहने छथिन जे आ यदि एमाले संसद अवरुद्ध बन्द नहि करतै तऽ हमसब बाध्य छी ई संसद विघटन करऽके लेल। मध्यावधि निर्वाचनके सम्भावना बढ़ि रहल छै। दोसर दिस सुभाष चन्द्र नेमाङ नेकपा एमालेके नेता छथि जे संविधान सभाके तात्कालीन जखन संविधान जारी होइत रहै संविधान सभाके सभामुख रहथि ओहो कहलखिन जे सरकारके नियत ठीक नहि बुझा रहल छै। सरकार चाहि रहल छै जे स्थानीय तहके निर्वाचनके घुसका देल जाय सारल जाय तऽ शंका उपशंकाके अवस्था सृजना भऽ रहल छै। एहि हिसाबसँ कि सरकार आइ 69 दिन छै जे 69 दिन बाँकी छै स्थानीय तहके चुनावके लेल राजनीतिक दल सबके जाहि रूपसँ गतिविधि बढ़क चाही ओ नहि बढ़ि रहल छै। दोसर दिस सरकारके हिसाबसँ ओहि हिसाबसँ जाहि रूपसँ तैयारी होबक चाही ओहि हिसाबसँ तैयारीके कतौ ने कतौ भऽ रहल छै आओर तमाम परिस्थितिमे ई देखाइ दै छै जे सत्तारूढ़के दलके नेता सब ई कहै छथिन जे यदि एमालेके तरसाबके विषय कहबै तैयो भऽ सकैए या तऽ मनस्थिति ओ सब तैयार भऽ गेल छथिन जे आब संसदके विघटन कऽ देल जाय किएक तऽ आब एहि संसदमे जे औचित्यता एकर समाप्त भऽ रहल छै। दोसर दिस गठबंधन बचि गेल छै तऽ काल्हिके दिनमे हमसब गठबंधन कऽ कऽ यदि जल्दी जल्दी जे प्रतिनिधि सभाके निर्वाचन कऽ लै छी तऽ जल्दी जल्दी निर्वाचन भऽ जेतै तऽ हमर सबके आबयवला दिनमे ई गठबन्धनके आधारसँ चुनाव भऽ जेतै तखन तऽ एकटा पार्टी मात्रे विपक्षमे रहतै गठबन्धनके बाद बाकी तऽ सब पार्टी गठबन्धनमे रहतै हमसब सहज रूपसँ जीत लऽ जाय भऽ सकैए ई एकटा परिस्थिति छै। तहु हिसाबसँ सत्तारूढ़ जे दल छै ओ एमालेके बहाना बनाकऽ फेर संसद विघटन करैके खेलमे लागल छै वा आशंका छै आब बुझा रहल छै। गगन थापा आओर सुभाष नेमाङके अपने सबके विचार सुनबै छी तकर बाद बुझि जेबै जे कोन हिसाबसँ ई राजनीति आबा आगामी दिनमे कोना बढ़तै। हामी अहिले जुन जिम्मा लिएका छौँ यो जिम्मालाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ। 30 निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ।
यो संविधानले ऐनले नियमले कानूनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यसपछि हामी आम चुनाव गराउँछौं। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै भयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनेर संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन, चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। यही संसदबाट रामचन्द्र यहाँ आउनुहुन्छ, अस्ति गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल गरेका छौँ। यही संसदबाट अघि प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले जुन बहुप्रतीक्षारत रहनु भएको निजामती ऐन छ, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर समायोजन गर्ने बेलामा जुन दुःख कष्ट दिइएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिले यसलाई पास हुने कति क्याटेगोरिकली छलफल गरेका छौँ। तपाईँहरूसँग बस्छौँ, तपाईँहरूको नयाँ लिडरसिपसँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, यसलाई पारित गर्छौँ र तपाईँहरूले जुन कुरा अहिले सोच्नु भएको छ, अपेक्षा गर्नुभयो, तपाईँहरूको हक पनि हो, यो गरिकन जान्छौँ, चुनाव पनि गराउँछौँ, चुनाव जित्छौँ पनि। तर हाम्रो अगाडिको त्यसैले चुनाव जित्ने कुरा पनि ठुलो कुरा हो, तर तपाईँ न हामी बसेर अब एउटा कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ, चुनाव जितेपछि गर्ने के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्छ, टुङ्गो लगाउनु पर्छ। चुनाव जितेको दिनबाट गर्ने के भन्ने बारेमा छलफल गर्ने, छलफल गर्ने मात्र होइन त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट त्यसमा काम गर्ने हामीले परिपाटी बसाल्न नसकेको कारणले गर्दा निर्वाचन जित्नेसम्मको यात्रा त गरेका छौँ, तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा टार्गेट राखेर काम गर्ने हाम्रो अवस्था निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसैले पटक पटक चुकेका छौँ। संसदले सिम्बो भन्न सकेको छैन अदालत यो केही दिन अगाडिदेखि केही मुद्दा हेर्न थालेको छ होइन भने अदालत पनि डिफङ्क छ। राज्यका तिनवटा अङ्गहरू डिफङ्क भएको अवस्थामा अब के गर्ने, त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ जनताको बिचमा जाउँ, संविधान बन्ने चुनाव गरौँ, जनताले दुधका दुध पानीको पानी गर्छन् तर
के देखाउनु पर्यो त भन्दा त्यति गरिसके पछाडि सरकारमा बसेको बस्ती हो लौकाका केपी ओली भनेर भोट पनि हाल्नु पर्छ म यसतर्फ अरू हेरेर यति कुरा राखेँ मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दा जनतालाई यो सबै कुरा जनता हिसाब किताब लिएर बसेका छन् त्यसैले यो लोकतन्त्र हो यो संविधानमा उल्लेखित आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हो हामी पनि हिसाब लिएर जनताको अगाडि जान्छौँ अरू साथी पनि जानुहुन्छ जनताले दुधको पानीको लागि गर्छ त्यसको लागि अब हामी तयार छौँ स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईँ हाम्रो मेहनतले दबावले घोषणा गराए अहिले पनि उहाँहरूको मन मानेको छैन मुद्दा लिएर जानुभयो अदालतले दरपिट गरिदियो दरपिटमाथि मुद्दा हाल्नुभयो इजलासमा पुग्यो तर इजलासले पनि उहाँले भने जस्तो गरिदिएन तर कोसिस अहिले पनि जारी दर्शकबिन दुगोटे गगन थापा सुभाष नेमांग के विचार सुनला के बाद कतौ न कतौ आशंका ई भऽ रहल छै जे आब फेर ई संसद के निर्वाचन या संसद के निर्वाचन हेतै और स्थानीय तह के निर्वाचन आगा पाछा सारल जतै मुदा गगन थापा ओही कार्यक्रम में कहलखिन जे नै स्थानीय तह के निर्वाचन त निर्धारित समय पर होतै मुदा हम यदि एमाले के आग्रह करै छी जे संसद के अवरोध खोलू आ नै खोलब त ई संसद के औचित्यता पर प्रश्न चिन्ह खार भ सकिए ई एकटा राजनीति विषय वस्तु अखन के देखाइ दै छै जे आब की हेतै की नै हेतै एकटा अन्योलता के अवस्था में छै जे राजनीति दल सब दुविधा के अवस्था में छै किछु दिन पहिने पुष्पकमल दहाल प्रचंडो जी कहलखिन जे यदि एमाले संसद अवरुद्ध नै खोलत त हम सब ई संसद के विघटन कऽ देब ई एकटा और ई विघटन एकटा मुद्दा बनतै और जैसे बुझाइ छै जे एमाले के जे कतौ न कतौ एमाले के जे हम सब देखा देबे जे एमाले के कारण सँ हम अहाँ के जनता के बीच में आयल छी हमरा बहुमत दिया और सहज रूप सँ पारघाट जोड़ घटाव जे राजनीति में होइ छै ओ भेला के बाद में फेर हमरा सब के अब उपस्थिति संसद में नीक भ जायत फेर हम सब सरकार चला ई एकटा विषय भ सकिए अइ हिसाब सँ आगा बढ़े के भी परिस्थिति निर्माण भ रहल छै दोसर विषय अखन धरि जे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराव पर जे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भेलै तऽ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भेला के बाद में अखन सदन में प्रस्तुत नहीं कयल गेलै ओकर जानकारी नहीं देल गेलै औपचारिक रूप से जे प्रस्ताव दर्ता यदि होइ छै तऽ ओकरा सभामुख द्वारा एकर जे जानकारी देल जाइ छै जे ई प्रस्ताव दर्ता भेलै ओना दर्ता होइते ओ निलंबन में चलि जे संवैधानिक व्यवस्था छै ई तमाम राजनीति द्वंद्व के अवस्था में कतौ न कतौ आशंका उपशंका भ रहल छै जे फेर महंगाई बढ़तै फेर जनता पर समस्या सृजना हेतै और विश्व के जे परिस्थिति सृजना भ रहल छै ओ विश्व के परिस्थिति सँ नेपाल के गंभीर अवस्था में लाब सकैया किएक तऽ चीन अपन सैन्य जे बजट छै ओहि में 7.1% वृद्धि कललकै यऽ तऽ एहिसँ देखाइ दै छै जे आब विश्व जे शक्ति राष्ट्र सब के बीच में जे अंतर संघर्ष यूक्रेन और रूस के बाद जे देखाइ दै छै युद्ध भेल भऽ रहल छै अखन 10 दिन सँ तऽ ई कतौ न कतौ ई परिस्थिति निर्माण भऽ रहल छै जे फेर एकटा विश्व के जे राजनीति परिदृश्य सब छै जे अंतर द्वंद्व सब भारत के चीन के अंतर द्वंद्व छै और रूस के मामला में चीन और भारत मौन बैस जाइ छै तऽ ई तमाम राजनीति परिस्थिति दोसर दिस नेपाल राष्ट्र सब जाकऽ एकटा मौन बैसके बदला में एकटा यूक्रेन के पक्ष में मतदान करै छै तऽ ई राजनीति परिदृश्य सब कटुता के राजनीति परिदृश्य सब विश्व में उभरि रहल छै तऽ एहिसँ देखाइ दऽ रहल छै जे कतौ न कतौ फेर एकटा नया किसिम सँ द्वंद्व विश्व में सृजना हेतै एकर निकास की हेतै दोसर दिस यदि द्वंद्व होइ छै तऽ महगाई तक जे अवस्था छै देख रहल छियै हवाई ईंधन बढ़ि गेल छै हवाई ईंधन मूल्य वृद्धि के भेला के कारण सँ ओकर भाड़ा दर बढ़ायल गेल छै पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि भऽ गेल छै तऽ ई तमाम महगाई के अवस्था छै दोसर दिस यदि तुरन्ते निर्वाचन होइ छै तऽ ओकर जनता पर भार पड़तै कम से कम राजनीति दल के एहि रूप सँ राजनीति दल के नेता सब सत्ता के अंतर द्वंद्व में जे जनता के जे दुख देबे के काम नहीं करबाक चाही
अपने सबके कोनो राय सुझाव हैत हमरा सबके जरूर बताएब। कार्यक्रम मार्फत अपने कोनो राय सुझाव संग अपन विचार राखय चाहे छी तो हमरा सबके जानकारी देब। हम सब अपने सबके संपर्क कर टेलीफोन मार्फत प्रत्यक्ष रूप से अपने सबके विचार सेहो कार्यक्रम में राखब। दोसर दिन दोसर विषय वस्तु लक फेर उपस्थित है। ताधर के लिए विदा दिया, नमस्कार।